हट प्रदीपिका, दीपिका अर्थात जो प्रकाशित करता है, जो हट को सम्यक रूप से प्रकाशित करता है वह हट प्रदीपिका। स्वामी स्वात्मा राम जी द्वारा विदित है। स्वामी स्वात्मा राम द्वारा लिखित कह दो, रचित कह दो, द्वारा विरचित है, विरचित रचित है। कुल 4 अध्याय, कुछ कुछ योग चिकित्सा नाम से इसको 5वीं अध्याय से भी जोड़ते हैं, 4 अध्याय। और ये चतुरंग योग के नाम से विख्यात है, चतुरंग योग का इसमें वर्णन है, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंद, जो मुद्रा ही कहलाएगी, बंद नहीं, ठीक है, देते हैं मुद्रा, और चौथा नादानुसंधान, नादानुसंधान। इस प्रकार इसमें चतुरंग योग है, 4 योग के अंगों का वर्णन है, चतुरंग योग, अष्टांग योग से हम चतुरंग योग पढ़ रहे हैं। इसमें 4 अध्याय है योग चिकित्सा के नाम से, कुछ 5 अध्याय भी बताते हैं, 5 अध्याय भी बताते हैं। तो हम हट प्रदीपिका का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अधिक व्याख्या वाली बात नहीं है, पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, कुछ डाउट हो तो बाद में पूछ लेना। तो हट प्रदीपिका शुरू करते हैं, प्रथम उपदेश के प्रथम श्लोक में स्वामी स्वात्मा राम जी कहते हैं, श्री आदान आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै योर प्रतिष्ठा हट योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग आरूढ़ मिच्छुन अधिरोहिणी। उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ भगवान को नमस्कार है जिन्होंने हट योग विद्या की शिक्षा दी। जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए सीढ़ी के समान है। तो ये हट योग सीढ़ी है, किस राजयोग नामक शिखर, शिखर यानी पर्वत की चोटी, उस राजयोग वाली शिखर तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है, वहां तक जाने की जो सीढ़ी है वह हट योग है। और इसकी शिक्षा किसने दी, कि भगवान आदिनाथ, इसलिए इन आदिनाथ भगवान को बारंबार प्रणाम नमस्कार। इस पे चलते चलते कहां तक पहुंच जाएंगे, राजयोग तक पहुंच जाएंगे, राजयोग तक पहुंच जाएंगे। प्रणम्य श्री गुरु नाथम, प्रणम्य श्री गुरु नाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हट विद्योपदिश्यते। योग का उद्देश्य केवल्य प्राप्ति है, दुख निरोध है। हट योग का उद्देश्य केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति है, केवल और केवल क्या है कि राजयोग प्राप्त हो सके, वो राजयोग प्राप्त होगा तो निर्वाण और केवल्य हो जाएगा। प्रणम्य श्री गुरु नाथ, श्री नाथ गुरु को प्रणाम करके स्वात्मा रामेण योगिना, योगी स्वात्मा राम केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हट योग विद्या का उपदेश कर रहा है, राजयोग की प्राप्ति के लिए। अन्य अन्य ठीक है, सिद्धियां वगैरह है, सब शरीर की शुद्धि दे रही है, शुद्धि हो रही है, सिद्धियां दे रही है, रोग नष्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं जो नाथ गुरु को प्रणाम करके हट विद्या का उपदेश दे रहा हूँ वो राजयोग की प्राप्ति के लिए, केवल राजयोग आए राजयोग की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। भ्रांत्या बहुमत भ्रांते राजयोगम जानताम हट प्रदीपिका धत्ते स्वात्मा राम कृपा ग्रह। अनेक मतों के कारण भ्रमित और तथा राजयोग को नहीं जानने वाले लोगों के लिए स्वात्मा राम हट प्रदीपिका प्रस्तुत करते हैं, स्वात्मा राम हट प्रदीपिका। फिर आगे बोलते हैं, हट विद्या ही मत्स्येन्द्र गोरक्षादि विजानते स्वात्मा रामो अथवा योगी जानते तत्प्रसादा। मत्स्येन्द्र गोरक्ष योगी हट विद्या के मूल मर्मज्ञ थे, ज्ञाता थे, वही जानते हैं। कौन हट विद्या को जानने वाले, मत्स्येन्द्र और गोरक्षनाथ आदि योगी ही इसके ज्ञान को विज्ञान को जानते हैं। और तत्प्रसाद उनकी कृपा से, किनकी, मत्स्येन्द्र नाथ और गोरक्षनाथ जी की कृपा से ही इस ज्ञान को योगी स्वात्मा राम जी ने जाना है, इसने जाना है स्वामी स्वात्मा राम जी ने। तो स्वामी स्वात्मा राम जी ने किसकी कृपा से, मत्स्येन्द्र नाथ और गुरु श्री गुरु गोरक्षनाथ, इन दोनों की कृपा से बोले ये हट योग की विद्या जानी है, हट योग की विद्या जानी है। फिर इसमें
विभिन्न प्रकार के नाथ संप्रदाय के नव नाथ इत्यादि का वर्णन या 84 सिद्ध जो है उनका वर्णन है, उनका वर्णन है। तो श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा टोटल इस प्रकार इनका वर्णन है, इनका वर्णन है। तो बोल रहे हैं श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबर आनंद भैरव चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलय से मनमत भैरव सिद्धि ये इत्यादि महान सिद्धगण हटियों की शक्ति से मृत्यु पर विजय पाकर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इत्यादियो महासिता हट योग प्रभावात खंडित्वा काल दंडम ब्रह्मांडे विचरंती। इन्होंने मृत्यु को भी पार करके ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। तो ये सब एक एक बार पढ़ लेना, ब्रह्मांड में कौन विचरण करते हैं, एक कोई भिन्न नाम दे दिया तो ये नाम भी स्मरण रहने चाहिए, स्मरण रहने चाहिए। कुल 33 नामों का वर्णन है लगभग, ठीक है। आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ चरपटी कानेरी पूज्यपाद नित्यनाथ निरंजन कपाली बिंदुनाथ काकचंडीश्वर अल्लाम प्रभुदेव घोड़ा चोली टिंटनी भानुकी नारदेव खंड और कापालिक। तो ये हट योग के अभ्यास से सिद्ध हो गए और ये ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं अमर होके। अब आगे इस हट योग की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। हट योग उद्देश्य स्पष्ट कर दिया हट योग का, ठीक है, उद्देश्य करने वाले के नाम और इस परंपरा को जीने वाले लोग और उन्होंने क्या सिद्धि प्राप्त की उनका भी वर्णन कर लिया, उनका भी वर्णन कर लिया। अब आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशेष तप्ता नाम स्वाश्रयो हठ अशेष योग युक्ता नाम आधारक नाम आधारको मठाठ। अशेष तप्ता नाम सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए हट योग आश्रय रूप मठ है। तो दुखी के लिए आश्रय रूपी मठ है, अर्थात वहां सहारा मिल जाएगा, वहां रेस्ट मिल जाएगी दुखी के लिए। अशेष तप्ता नाम समाश्रय अशेष योग युक्ता नाम और सभी प्रकार के योग अभ्यासियों के लिए ना आधार को हट है, ठीक है। और योग अभ्यासियों के लिए कछुए की तरह आधार है, कछुए की तरह आधार है। तो कछुए को चूंकि समुद्र मंथन में पर्वत चला जाएगा तो आधार चाहिए, तो कछुए जैसा आधार मतलब स्ट्रॉन्ग आधार शक्तिशाली आधार योग प्राप्ति के लिए ये हट शक्तिशाली आधार है जितना कछुआ। कछुए की चमड़ी बहुत खरी होती है, हर कोई दबा नहीं सकता है। और जो दुखी है उनों के लिए तो आश्रय रूपी मठ है, ऐसा मठ है जहां ठहर जाएंगे तो उनके दुख दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। तो सभी प्रकार के दुख से पीड़ित जनों के लिए हट योग आश्रय रूपी मठ है और सभी प्रकार के योग अभ्यासियों के लिए योग जिज्ञासुओं के लिए ये कच्छप रूपी आधार है, कछुए रूपी आधार है। हट विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धम इच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तुप्त। योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधुओं को यह हट विद्या नितांत गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त रखने पर यह शक्तिशाली नहीं होती और प्रकट करने पर शक्तिहीन हो जाती है। प्रकट करने पर अपनी बड़ाई करने पर अहंकार हो जाता है इसलिए शक्तिहीन हो जाती है, प्रकट नहीं करने पर अहंकार नहीं होता है इसलिए ये शक्तिवान रहती है, शक्तिवान रहती है। आगे तत्पश्चात अब हट योग का स्थान, हट योग का स्थान कैसा होना चाहिए। तो स्थान के लिए वर्णन करते हुए स्वामी साधवानंद जी बोलते हैं सुराज्य धार्मिक देशे शुभ से निरुक्त वे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जित एकांत मठिका मध्य सातव्यम हट योगिना। हट योगी को ऐसे एकांत स्थान में रहना चाहिए जहां राज्य अनुकूल हो, जहां सुराज्य धार्मिक देश है, जहां लोग धर्म पूर्वक धर्म का आचरण करते हो, धार्मिक देश है, सुभिक्षे जहां भिक्षा आसानी से मिल जाए, धन धान्य प्रचुर मात्रा में हो और निरुपद्रवे किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हो, लड़ाई झगड़े नहीं हो, लड़ाई झगड़े निरुपद्रवे ऐसे स्थानों पर धनु प्रमाण पर्यंत, ठीक है, चार हाथ दूरी को धनु प्रमाण पर्यंत कहते हैं। तो उतनी दूरी तक शिला अग्नि जल, शिला पत्थर को बोलते हैं अग्नि जल,
ये तीनों नहीं होने चाहिए। जहां अपनी कुटिया बनी है उसके चार हाथ, तो 1 मीटर नहीं 4 मीटर पर्यंत, तो 12 फुट, उसके 12 फीट तक कोई भी पत्थर नहीं होना चाहिए, अग्नि नहीं होनी चाहिए और जल नहीं होना चाहिए, जल नहीं होना चाहिए। एकांते, एकांत में मटिका मध्य, कुटिया में रहना चाहिए। एकांत में मठ, मठ बड़ा होता है, मटिका छोटी होती है, तो छोटी कुटिया में रहने को बोला एकांत में, एकांत में ही अभ्यास करना चाहिए। फिर कुटी कैसी होनी चाहिए उसका बोल रहे, अल्प द्वारम रंध्रम गर्त विवरम ना अति उच्च नीचेताम, ठीक है, द्वार छोटा हो और रंध्र गर्त विवरम कोई भी छिद्र नहीं हो, कोई भी छिद्र नहीं हो, ना अति नीच उच्च नीचे, ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीची हो। सम्यक गोमय सांद्र लिप्त मलम, सम्यक रूप से गोमय गाय के गोबर से आंगन लिपावा होना चाहिए। निशेष जंतु निजतम, और कीड़े आदि से रहित होना चाहिए, कीड़े वगैरह घूमने नहीं चाहिए। बाह्य मंडप वेदी कुपरुचिरम प्रकार संवेष्टितम प्रोक्तम हग योग मठ से लक्षणम सिद्धे हटात, ये योग मठ का लक्षण बता रहे हैं। बाहर बोल रहे हैं मंडप वेदी, मंडप अपने यहाँ चारों ओर चार स्तंभ लगा के बोलते हैं उसको मंडप कहते हैं, और वेदी यज्ञ कुंड को कहते हैं, यज्ञ वेदी, ठीक है, यज्ञ कुंड को। तो मंडप हो, मंडप में साधना और दूसरा यज्ञ का स्थान हो। कूप, फिर निकट में कुआ हो, ठीक है, और साथ ये स्थान, ये जो कुटिया है ये किसी घेरे से चारों ओर किसी बाड़ से घिरा होना चाहिए, जिसे कोई भी हिंसक जानवर इत्यादि आसानी से ना आ जाए, आसानी से ना आ जाए। एवं विधेय मठे स्थित सर्व चिंता विवर्जिता गुरु उपदिष्ट मार्गेण योग में उत्साह्य से, इस प्रकार कुटी में रहकर साधक को सभी प्रकार के चिंता से विषयों से मुक्त होकर गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार एकमात्र योग का ही अभ्यास करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, केवल योग का अभ्यास करना चाहिए। तो ये स्थान कैसा हो, फिर कुटिया कैसी हो, फिर ये जो योग की कुटी है वो कैसी हो, तो इस छोटी कुटी को मटिका कहा है, नहीं तो बड़ा मठ होता है। तो इस प्रकार गुरु ने जैसा बताया उस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। तो ये स्मरण रखने की 3-4 बातें थी, रख ली। अब जो इसमें 2 चीज आ रही है, साधक तत्व और बाधक तत्व, साधक तत्व और बाधक तत्व, 6 ही साधक तत्व है और शायद 6 ही बाधक तत्व है, बाधक तत्व नहीं ऑब्स्टेकल, और जो हेल्पफुल, तो ये कह सकते हो क्लिष्ट प्रवाह अक्लिष्ट प्रवाह, सॉरी अक्लिष्ट और क्लिष्ट, अक्लिष्ट और क्लिष्ट, अर्थात जो योग से भटकाने वाले, अर्थात जो योग में लगाने वाले, जो योग को और मन को बुद्धि को शरीर को जीवन को लगाते हैं, प्रेरित करते हैं, वे साधक तत्व है। जो योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, चित्त में विक्षेप उत्पन्न करते हैं, वे बाधक तत्व है। तो चित्त को एकाग्र करते हैं, वे साधक तत्व। तो पहले बाधक तत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम सड़भियोग विनश्यति, अति आहार अधिक भोजन, प्रयास अधिक श्रम, बहुत अधिक एफर्ट, प्रजल्पो अत्यधिक बोलना, बारंबार चटपट चटपट बोलते रहना, नियम आग्रह बहुत अधिक नियमों में आग्रह करना, नहीं मैं तो ऐसा करूंगा ही, इसके बिना मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, तो अत्यधिक नियम आग्रह। जनसंघर्ष अत्यधिक लोक संपर्क, लोक संपर्क पे साधना के लिए समय नहीं बचता है, इसलिए साधक को अत्यधिक लोक संपर्क नहीं रखना चाहिए, फिर साधना नहीं होती है, लोक संपर्क मात्र ही होता है। और लौल्यम, लौल्य चंचलता को बोलते हैं, चित्त की चंचलता, मन की चंचलता। तो ये सड़र भी योगो विनिशते, ये 6 योग को विनष्ट करने वाले हैं, योग को नष्ट नाश करने वाले, जो योग को विनष्ट करने वाले, इसलिए इनको बाधक तत्व लोगों ने कहा है, बाधक तत्व कहा है। तो यहाँ हट प्रदीपिका में योग को नाश करने वाले 6 कौन कौन से तत्व है, एलिमेंट है, तो अत्यधिक भोजन,
अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक बोलना, नियमों में अत्यधिक आग्रह, अत्यधिक जनसंघ, अत्यधिक चंचलता, सब अति अति सर्वत्र अति जो सब हो रहा है, ये सारा का सारा क्या है, योग को नाश करने वाले हैं, योग को नाश करने वाले हैं। अब आगे बोल रहे हैं, दोनों छह छह हैं, उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चय जनसंघ परित्याग सदर्भ योग प्रसिद्धि। उत्साह जील, साहस करेज, धैर्य यथार्थ ज्ञान ट्रू नॉलेज, संकल्प दृढ़ निश्चय, ठीक है, संकल्प और लोक संघ परित्याग, जो जनसंघ था, कॉन्टेक्ट था, उसका परित्याग, अवॉइड ऑफ विद पीपल। तो इस प्रकार ये छह योग को बढ़ाने वाले हैं, योग को प्रसिद्ध करने वाले हैं। तो ये योग को प्रसिद्ध करने वाले छह अंग, छह साधन, तो इनको साधक तत्व कहा है, उनको बाधक तत्व कहा है। तत्पश्चात अब आगे साधना किस प्रकार करनी चाहिए। हटस्य प्रथम अंगत आसनम पुरुमुच्यते कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम तलाघवम। हटस्य प्रथम अंग, हट प्रदीपक के अनुसार हट का प्रथम अंग कौन सा है, ठीक है, प्रथम अंग। योग सूत्र के अनुसार प्रथम अंग यम था और हट के अनुसार प्रथम अंग आसन है। ये हट प्रदीपिका के अनुसार, ठीक है, लेकिन ये हट का प्रथम है, हट प्रदीपिका में वर्णित है। गैरण का अपना अलग है, लेकिन यह हट को वर्णन करते हुए स्वामी सात्माराम जी कहते हैं, हट का पहला अंग आसन है। कुर्यात आसनम, आसन को करने से स्थैर्यम आरोग्यम, स्थिरता आरोग्यता, चलागवम हल्कापन, इन तीनों की प्राप्ति होती है। तो यहां लाघवम कहा है, लाघव का हल्कापन, हल्कापन। इस प्रकार ये हठ योग का पहला अंग आसन है और आसन को करने से स्थिरता आरोग्य और लाघवम हल्कापन प्राप्त होता है। फिर आगे बोलते हैं, वशिष्ठाद्यश्च मुनिर्भिः मत्स्येन्द्रश्च योगिभिः अंगीकृतान्यास्यानि कथ्यन्ते कानि चिन्मयः। वशिष्ठ आदि मुनियों और मत्स्येन्द्र आदि योगियों से स्वीकृत कुछ आसनों का निरूपण करता हूं। वशिष्ठ आदि मुनि और मत्स्येन्द्र आदि योगी, तो मुनि कौन, वशिष्ठ आदि, और योगी कौन, मत्स्येन्द्र आदि। इन से अंगीकृत अर्थात इन लोगों के जीवन में जो था, इनसे जो सीखा, इनके जीवन में जो देखा, इनसे अंगीकृत जो आसन है, उन आसनों का मैं वर्णन करता हूं, ठीक है। कथ्यन्ते कानि चिन्मया का निरूपण में स्वामी कुछ आसनों का, ठीक है, अंगीकृता न्यास आसनानी कथ्यन्ते कानि चिन्मया, कुछ आसनों को प्रकाशित करता हूँ, निरूपण कर रहा हूँ इनके द्वारा स्वीकृत, वशिष्ठ जी मुनि और मत्स्येन्द्र आदि योगियों के द्वारा जो स्वीकृत आसन है, अंगीकृत है, इन्होंने आसनों का अभ्यास किया, इन्होंने अपने जीवन में अपनाया, उन आसनों का मैं वर्णन करता हूँ। फिर कहते हैं, जान उर्वोरंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे ऋजु काय समासिना सुस्तिक तत प्रचक सकते अब सबसे पहला आसन स्वस्तिक का वर्णन है, ठीक है, सबसे पहला आसन स्वस्तिक का वर्णन है। तो हट प्रदीपिका का पहला आसन स्वस्तिक आसन है, स्मरण रहना चाहिए, ठीक है। दोनों पांवों को, तलों, घुटना, बीच, शरीर को सीधा रखकर संतुलित रूप से बैठना क्या है, स्वस्तिक आसन है, स्वस्तिक आसन है। फिर गोमुखाकृति गोमुखम, दूसरा आसन गोमुख है, दूसरा आसन गोमुख है।
ठीक है, दाहिनी एडी को कटी के वाम भाग में, दाएं प्रकार एडी को कटी के दाएं भाग में। गाय के मुख के समान की आकृति गोमुख है। तत्पश्चात वीरासन, तीसरे नंबर का आसन वीरासन है। तो एक पांव को दूसरी जंगा पर और दूसरे पांव को अन्य जंगा के नीचे रखने से वीरासन होता है। अगला आसन कूर्मासन, चौथा आसन कूर्मासन। गुदम निरुद्ध गुल्फाभ्याम व्युत्क्रमेण समायता कूर्मासन भवेत् योग विदो विदो। दोनों पांवों की एड़ी पर गुदा को रखकर एड़ियों से गुदा को दबाते हुए पांव के अग्रभाग को बाहर की ओर फैलाकर रखना, पांव को बाहर की ओर अग्रभाग फैलाकर, इसे योग के दानदार कूर्मासन कहते हैं, कूर्मासन कहते हैं। तत्पश्चात कुकुटासन, पद्मासन तु संस्थापाय जानूर्वान्तरे करौ निवेश्य भूम संस्थापे व्योम से कुकुटासनम। पद्मासन लगाकर घुटनों और जंघाओं के बीच में दोनों हाथों को डालकर हथेलियों को भूमि पर स्थिर करके शरीर को आकाश में उठाना कुकुटासन है। तत्पश्चात ये उत्तान कूर्मम कुकुटोसान बंदयो दोरभ्याम सुगंधम गंधराम सेमे कूर्तम उद्वान एतान कूर्मासन। कुकुट आसन लगाकर दोनों हाथों से गले को पकड़कर कछुए के समान चित लेट जाना को उत्तान कूर्मासन कहा है इन्होंने। क्या कहा? कुकुट आसन लगाकर दोनों हाथों के मध्य से था, कुकुट आसन लगाकर दोनों हाथों से जमीन पर था शरीर उठा लिया, यहाँ बोल रहे दोनों गले से पकड़कर दोनों हाथों को गला पकड़ने को बोला है और कछुए के समान चित लेट जाना, कछुए के समान चित लेट जाना था इंद्रियां उस प्रकार में बोला। तत्पश्चात धनुरासन, धनुरासन के लिए बोल रहे हैं पाद अंगुष्ठौ तो पाणि भ्याम गृहीत्वा स्तनावधि धनुराकर्षणम कुर्यात् धनुरासनम उच्यते। पेट पाद अंगुष्ठौ दोनों पांव के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें कानों तक खींचना और धनुष का आकार दे देना धनुराकर्षणम कुर्यात्, धनुष के समान कर देना क्या कहलाता है? धनुरासन कहलाता है, धनुरासन कहलाता है। फिर आगे बोलते हैं वामु दक्षवत जानु बहिर्वेष्ट पादम प्रकृष्ट तिष्ठेति परिवर्तांग श्री मत्स्यदो आसनम। मत्स्येंद्रनाथ का आसन बता रहे हैं, मत्स्येंद्रनाथ का मत्स्येंद्र आसन। तो मत्स्येंद्र आसन या मत्स्येंद्रनाथ आसन, ठीक है। तो बोल रहे हैं दाहिने पांव को बाईं जंघा के मूल में रखकर बाएं पार पांव को घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को ऐंठन देकर मोड़ें, तो विपरीत हाथों से दोनों पांव को पकड़कर स्थिर रहना चाहिए। ये श्री मत्स्येंद्र आसन है, ठीक है। तो दाहिने पांव को बाईं जंघा के मूल में, दाहिने पांव को बाईं जंघा के मूल में रखकर बाएं पांव को घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को ऐंठन देके मोड़े, जो मत्स्येंद्र का अर्थ है उसका वर्णन है। फिर आगे बोलते हैं इसका लाभ बोल रहे हैं मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्ति प्रचंड रूम रुग्म मंडल खंड स्त्रम अभ्यास कुंडली प्रबोधम चंद्र स्त्रित्व तदाति काम। तो आठवें आसन में आकर लाभ बताया, इससे पहले लाभ नहीं बताया। तो बोल रहे मत्स्येंद्र आसन करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है और ये रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान है, इससे कुंडली जागृत होती है और चंद्रमंडल स्थिर होता है कुंडली प्रबोधम। तो आसन से कुंडली जागरण का वर्णन भी है और यहाँ आकर लाभ बताया गया है। तो 15 में से पहला आसन 8वें नंबर का है, इसमें लाभ बताया गया है। क्या? जठराग्नि प्रदीप्त होती है, रोगों को नाश करने के लिए अस्त्र के समान है, कुंडलिनी जागरण होती है, कुंडलिनी जागरण होती है और चंद्र स्थिर होता है, चंद्रमंडल स्थिर होता है, चंद्रमंडल स्थिर होता है। तो चंद्रमंडल मन को भी कह सकते हो, मन भी स्थिर होता है। अब आगे पश्चिम तान आसन, जिसको पश्चिम तान आसन कहा है, नौ आसन तानासन, जिसको हम पश्चिम उत्तान आसन भी कहते हैं, पश्चिम तानासन। इति
प्रसाद प्रसाद्य पादौ भुवि दंड रूपो दोर्भ्या पदाग्र द्वितीयम् ग्रहित्वा जानु पर्यंत ललाट देशो वसीरिदम् पश्चिम तानम आहु। दोनों पांवों को भूमि पर दंड के समान फैलाकर दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठों को पूकर घुटनों पर मस्तक लगाकर रखने को पश्चिमतान आसन कहते हैं। पश्चिमतान, अब इसका लाभ भी बताया, इति पश्चिमतान आसनम अग्रहम पवनम पश्चिम वायनम करोति उदयम जठरानलस्य कुर्याद उदरे कार्श्यम आरोपताम च पुष्णाम। आसनों में अग्रगण्य अग्रगण्य बोला है, तो आसनों में अग्रगण्य मतलब श्रेष्ठ आसनों में से एक है ये भी, आसनों में अग्रगण्य है, अग्र मतलब ऊंचे आसनों में गिनती को अग्रगण्य कहा है श्रेष्ठ। इससे प्राण सुषुम्ना में प्राणों का सुषुम्ना में संचार हो जाता है, प्राणों का सुषुम्ना में संचार हो जाता है। और बोल रहे हैं जठराग्नि प्रज्वलित होती है, उदर पतला होता है, जठराग्नि प्रदीप्त उदर पतला होता है, पेट पतला होता है, जो मोटे पेट है उनके लिए बता रहे हैं। और आरोग्य लाभ होता है, आरोग्य लाभ प्राप्त होता है, ये पश्चिम तान आसन का लाभ था पश्चिम तान। अब आगे मयूर आसन का लाभ है, धराम अष्टभ्य करद्वयेने तत पूर्व पर स्थापित नाभि पार्श्व उच्चासनो दंडवत उत्थाखे मयूरम एतत प्रवदन्ति पीठम। अब मयूर आसन का वर्णन है, तो बोल रहे हैं दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह से स्थापित कर ले, दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों ओर लगाकर दंड के समान अधर में उठने को मयूर आसन कहते हैं, मयूर आसन कहते हैं। दसवें नंबर का आसन मयूर आसन है। दसवें नंबर का आसन क्या है? मयूर आसन है। इसका भी लाभ है, हरति सकल रोग नाशु गुल्म उदर दीन अभिभवति चा दोषनासनम श्री मयूरम बहु कदन भुक्तम भस्मत्पुर्याशिषम जनेति जठराग्नि जारयेत कालकूटम कालकूटम। तो बोल रहे हैं मयूर आसन शीघ्र ही समस्त रोगों का नाश करता है, उदर गुल्म आदि पेट के प्लीहा स्प्लीन के रोगों को दूर करता है, अत्यधिक कुपत्य भोजन को भी अच्छी तरह से पचाने की क्षमता उत्पन्न कर देता है, जठराग्नि को इतना प्रदीप्त करता है मानो कालकूटम जारित विष भी पच जाए, अर्थात ना पचने योग्य तो शरीर को नुकसान कर देने वाली चीज भी अधिक नुकसान नहीं कर पाती है यदि इसका अभ्यास निरंतर करें। तो ये मयूर आसन था। अब अगला आसन सवासन दसवें नंबर का, उत्तानम सवद भूमौ शयनम तत् सवासनम सवासनम शांति हरम चित्त विश्रांति कारकम। तो मयूर आसन, मयूर आसन के बाद में ग्यारहवा आसन सवासन, ग्यारहवा आसन सवासन। तो सौ के समान लाश के समान सौ के समान चित्त एकदम लेट जाना भूमि पर, और ये सवासन थकान को मिटाने वाला है और मानसिक शांति प्रदान करने वाला है, मानसिक शांति। तो सवासन रहता भूमि पर सौ के समान लेट जाने को इन्होंने सवासन कहा है। इस प्रकार ग्यारह आसन, इस प्रकार ग्यारह आसन। उसके बाद चार महत्वपूर्ण आसन होंगे, उससे पहले एक श्लोक कहते हैं, चतुर्शीत्यासनानि शिवेन कथितानि वै तेभ्य चतुष्कमादाय सारभूतम् ब्रवीम्यहम्। भगवान शिव ने 84 आसनों का वर्णन किया, स्वामी सातमाराम जी बोल रहे हैं कि भगवान शिव ने 84 आसनों का वर्णन किया, मैं उनमें से चार महत्वपूर्ण आसनों को कहता हूँ ब्रवीमि तेभ्य चतुष्कमादाय, मैं उनमें से चार आसनों 84 में से चारों का वर्णन करता हूँ। ये चार आसन महत्वपूर्ण आसन के रूप में है, महत्वपूर्ण आसन के रूप में है। तो सिद्धम पद्मम सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। तो सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन, और सिंहासन, इस प्रकार ये 15 आसन हट प्रदीपिका के पूर्ण हुए।
फटाफट दीपिका के 15 आसन पूर्ण हुए। तो क्या कह रहे हैं, सिद्ध पद्म सिंह और भद्र ये चार आसन सारभूत है 84 में से, और इन चारों में से भी सिद्धासन सबसे श्रेष्ठ है, इन चारों में से भी सिद्धासन श्रेष्ठतम है। अब सिद्धासन का वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पांव की एड़ी को सीवनी में अच्छी तरह से लगाकर दूसरे पांव को मेडू के ऊपर रखें, चिबुक को हृदय प्रदेश में जालंधर बंद लगा लें, इंद्रियों को संयमित कर भ्रू मध्य पर दृष्टि रखें, ठीक है, मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला, मोक्ष प्राप्त करने वाला ये आसन क्या है, सिद्धासन है। मोक्ष कपाट का भेदन, मोक्ष का जो द्वार है उसका भेदन करने वाला है। मतांतरी अन्य मत के अनुसार भी वर्णन कर रहे हैं कि मेडू के ऊपर बाएं पांव की एड़ी तो उसके ऊपर दूसरे पांव की एड़ी रखना भी सिद्धासन है। बाद में कहा गया कि मत दूसरे सिद्धों का है, पहला मत मत्स्येंद्र का है, जो पहले हमने सिद्धासन का बोल रहे मत्स्येंद्र का है, दूसरा मत बोल रहे अन्य सिद्धों का है। एतत् सिद्धासनम प्राहुरण्य वज्रासनम विधु मुक्तासनम एके प्राहुर गुप्तासनम परे, ठीक है, इसे सिद्धासन कहते हैं, इसे दूसरे लोग वज्रासन भी कहते हैं, यहाँ चार नाम बताए गए हैं, सिद्धासन वज्रासन, फिर बोल रहे कुछ लोग मुक्तासन भी कहते हैं और अन्य लोग तो गुप्तासन भी कहते हैं, तो चार नाम हो गए, वज्रासन, सिद्धासन, मुक्तासन और गुप्तासन और गुप्त आसन, सीक्रेट आसन, ठीक है, मुक्त आसन, फ्री आसन, फिर वज्रासन और सिद्धासन। यमे स्वीव मिताहार अहिंसा नियमे स्वीव मुख्यम सर्वानशेकम सिद्धा सिद्धासनम विदुः। अब जो यम नियम हमने थोड़ा बहुत योगिक उपनिषदों में पढ़ा उसी का बोल रहे हैं, जिस प्रकार यमों में मिताहार और नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ही सिद्धों का सिद्धासन भी आसनों में महत्वपूर्ण है। तो यम में मिताहार और नियम में अहिंसा, यहाँ योग सूत्र के बिल्कुल विपरीत जो हम एक योग उपनिषद में पढ़े थे उसका वर्णन है, उसका वर्णन है। फिर आगे बोल रहे चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदाप्यसेति द्वादशशति सहस्त्राणाम नाड़ीनाम मलशोधनम्। तो 84 आसनों से केवल सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे सरिस्त 72,000 नाड़ियों का क्या शुद्धिकरण हो जाता है। हठ योग 72,000 नाड़ियां मानता है, और उपनिषद में कितनी नाड़ियां थी, 72 करोड़ 72 लाख ऐसा कुछ कुछ था, ठीक है। फिर बोल रहे आत्मध्यायी मिताहारी यावत् द्वादश संवत्सरम सदा सिद्धासनम अभ्यास योगी निष्पत्ति आपमयात् इमेन्नि बहुर्भिपीठ सिद्ध सिद्धासनम सती। जो योगी 12 वर्षों तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है, सिद्धासन का अभ्यास करता है, परिमित भोजन अर्थात मर्यादित भोजन करता है, वह योग से निष्पत्ति अवस्था को, बस योग के अभ्यास से निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करता है। और फिर आगे बोलते हैं किमरण्य बहुविपीठे पीठिनासन, जिसने सिद्धासन को सिद्ध कर लिया है उसको किसी अन्य दूसरे आसन की अभ्यास की कोई आवश्यकता क्या, कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई नहीं। फिर आगे बोल रहे हैं है प्राणायाम का कुंभक का सूत्र मतलब श्लोक, लेकिन यहाँ पर डाल रहे हैं प्राण नीले सावधाने बद्धे केवल कुंभ के उत्पत्ते निराशयात स्वयं उन्मनी कला। जब प्राण वायु नियंत्रित हो केवल कुंभ की अवस्था प्राप्त हो जाए तब अनायास ही उन्मनी कला स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये कुंभक के बाद आता है, लेकिन उन्होंने पहले वर्णन कर दिया, पहले वर्णन कर दिया तत्र एकस्मिन्नेव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंध त्रयम् अनासयात स्वयं उपजायते। इसी प्रकार एक सिद्धासन दृढ़ता पूर्ण सिद्ध हो जाने पर अनायास तीनों बंध लग जाते हैं। तो इस सिद्धासन की बड़ी विशेषताओं का वर्णन, इतना वैशिष्ट्य कर रहे हैं। तो एक तो 12 वर्ष तक जो आत्मा का ध्यान करता निष्पत्ति अवस्था प्राप्त कर लेता, एक, फिर केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है, दो, फिर त्रिबंध स्वमेव लग जाते हैं, तीन, इस प्रकार बड़ी विशेषता पूर्वक बताए। तो सिद्धासन के अभ्यास मात्र से ही तीनों बंध लग जाते हैं, एक प्रश्न, ठीक है। उन्मनी कला, सिद्धासन के अभ्यास से उन्मनी कला प्राप्त हो सकती है, ठीक है, केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त हो सकती है, दो प्रश्न ये, और ये क्या करता है निष्पत्ति अवस्था प्रदान करता है, तीन, क्या करता है निष्पत्ति अवस्था। फिर 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है, चार, और आसनों में सबसे श्रेष्ठ सिद्धासन, यमों में मिताहार, नियमों में अहिंसा, ये प्रश्न, 6 प्रश्न। फिर इसके चार नाम सिद्धासन वज्रासन गुप्तासन मुक्तासन, 7 प्रश्न, कुल 7 प्रश्न इससे बन सकते हैं, आ सकते हैं। न आसनम सिद्ध सदृशम ना कुंभ केवलोपमा ना खेचरी समा मुद्रा ना नाद सदृशोलय, ठीक है, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं, खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं,
और नाद के समान कोई लय नहीं, नाद के समान कोई लय नहीं। इस प्रकार सिद्धासन की महत्ता का सबसे श्रेष्ठ आसन कुंभक में केवल कुंभक, मुद्रा में खेचरी और लय में नाद, लय में नाद। इस प्रकार ये वर्णन किया है, इस प्रकार वर्णन किया है। आज इतना ही पढ़ेंगे, अन्य कल पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़कर आएंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, जिसको कुछ पूछना है पूछ लीजिए।